ये किस तरह से पूरी तरह शुगर से कोटेड है आप देख सकते हैं, और अंदर से भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये छेना मुर्की जो है, ये देखिए अंदर से पूरी जूसी है और ऊपर से शुगर कोटेड है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक और स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप किसी भी समय बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चों को, बड़ों को और सभी एज ग्रुप्स को बहुत पसंद आती है, और ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें पनीर है और जस्ट शुगर है, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ छेना मुर्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए पनीर को बिल्कुल छोटे छोटे साइजेस में कट किया है, बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया है। इससे एक तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि सभी पीसेज जो हैं पनीर के शुगर से कोट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है, ये 200 ग्राम पनीर है और इसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 200 ग्राम पनीर है और 300 ग्राम चीनी है। चीनी जो है वो पनीर से थोड़ी ज़्यादा अमाउंट लेनी है क्योंकि हमें इसको अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे 250 टू 300 ग्राम शुगर आप ले सकते हैं। पनीर जो है वो फ्रेश लें तभी छेना मुर्की जो है अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने इलायची ली है, कार्डमम्स है जिनको कि मैंने क्रश कर लिया है। मैं शुगर सिरप को इससे फ्लेवर करूंगी। साथ ही यहाँ पर रोज वाटर लिया है 1 टीस्पून, ये भी हम बाद में डालेंगे फ्लेवर के लिए क्योंकि कई बार पनीर की फ्रेग्रेंस उतनी अच्छी नहीं आती। तो रोज वाटर या केवड़ा जल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून रोज वाटर लिया है, आप रोज एसेंस भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि छेना मुर्की को व्हाइट बनाने के लिए हलवाई जो है वो हाइड्रो का यूज करते हैं जिसे हम हिंदी में रंग काट भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई रंग काट यूज नहीं करूंगी। तो हम छेना मुर्की बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है कि छेना मुर्की का जो हमें चाशनी बनानी है उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले चाशनी बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए यहाँ पर 1.5 कप चीनी है तो हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। मैंने सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो इस मेजरिंग कप से लिए हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप चीनी लेंगे, इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। हम मेल्ट कर लेंगे चीनी को पहले, उसके बाद शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। आप इसमें कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप केसर ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। ये शुगर सिरप जो है वो लगभग क्लीन है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नजर नहीं आ रही, तो इसे हम क्लीन नहीं करेंगे। अगर हम इसे क्लीन करना हो तो हम इसमें 1 चम्मच दूध ऐड कर देंगे जिससे कि सारी इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर आ जाएंगी और आप उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए इसमें कोई इम्प्योरिटीज नज़र नहीं आ रही हैं। चीनी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी बीच बीच में चेक करते रहेंगे। मैंने इसको हाई फ्लेम पर ही रखा है क्योंकि इसे कुक होने में अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। हमें इसे 2 थ्रेड की कंसिस्टेंसी पर पहुँचाना है, यानी कि 2 तार तक पहुँचाना है पहले, उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। देखिए अभी बिल्कुल पानी जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। अभी हमें इसे काफ़ी थिक करना है तो हम इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह कुक करेंगे, उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया है, इससे शुगर सिरप जो है वो वेस्ट नहीं होता क्योंकि इसमें चिपकेगा नहीं। अदरवाइज़ अगर आप और कोई पैन लेंगे तो शुगर जो है बहुत वेस्ट हो जाती है। इसे 3-4 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लगभग 1 थ्रेड पहुंच चुकी है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए हम थोड़ा सा शुगर सिरप लेंगे, ये देखिए हम शुगर सिरप लेंगे, उस तरह से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर लंबा थ्रेड बन रहा है, देखिए चाशनी की एक तार गिर रही है, ये देखिए काफ़ी लंबी तार बन रही है इसकी। तो हम इसे अब 5 मिनट्स हो गए हैं तो इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे। अब चाशनी थोड़ी और थिक हो चुकी है, ये देखिए काफ़ी लंबा तार बन रहा है। तो हम गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे और अब हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। हम इसी स्टेज पर हम इसमें जो हमने कार्डमम यानी कि इलायची कूट कर रखी है वो भी डाल देंगे, इससे शुगर सिरप में अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इलायची का। शुरू में नहीं डालेंगे अदरवाइज सारे फ्लेवर्स जो है वो उड़ जाएंगे। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, कट करके रखा है। अब हम इसको स्टर करेंगे। गैस का फ्लेम जो है अगेन मैंने तेज कर दिया है यहाँ पर। इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे तभी ये पनीर के पीसेस जो हैं वो अच्छे से कोट हो पाएंगे। इसमें हम जो हमने रोज़ वाटर लिया है वो डाल देंगे। ये देखिए शुगर सिरप जो है बिल्कुल फ्रॉथी हो गया है और बिल्कुल वाइट कलर का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ही सफ़ेद इस तरह से वाइट
शुगर सिरप जो है इस तरह का बनने लगे। हम इसे एक तो कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे और दूसरा इसका शुगर सिरप हम दोबारा से चेक कर लेंगे। ये देखिए हम इसमें एक दो ड्रॉप्स डालेंगे और इसको चेक कर लेंगे। लंबा थ्रेड बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए, और शुगर सिरप जो है वो जमने लगा है हल्का हल्का। जब तक इस तरह सफ़ेद झाग झाग से ना बनने लगे तब तक आप समझ लीजिए कि आपका छेना मुर्की जो है वो अभी रेडी नहीं है। तो इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है और किसी सॉफ्ट हैंडल सॉफ्ट चीज़ से करेंगे तो आपका जो पनीर है वो टूटेगा भी नहीं। शुगर सिरप लगभग रेडी है, मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और अब हम इसे इसी तरह ठंडा करेंगे। ये देखिए बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी पर है, हम एक बार डालकर चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने शुगर सिरप लिया है, इसको हल्का सा ठंडा करने पर ये जमने लगेगा। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, अब हम इसको इसी तरह ठंडा कर लेंगे हिलाते हुए। जैसे इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली ताकि सभी जो पनीर के पीसेस हैं वो कोट हो जाएं अच्छे से। आप इसे किसी पानी के बर्तन में रखकर भी हिला सकते हैं, उससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होने लगेगा, ये जमने लगेगा, इसको हमें इसी तरह हिलाते हुए ठंडा करना है, अदरवाइज पनीर के पीसेस जो है वो कोट नहीं होंगे अच्छे से। ये देखिए ये जमने लगा है, इसे बस इसी तरह स्टर करते रहें, अदरवाइज छेना मुर्की जो है वो कोट नहीं होगी। तो इसलिए हमें अगर इसे शुगर सिरप से कोट करना है तो हमें इसे इसी तरह कंटिन्यूसली स्टर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि शुगर सिरप जो है हार्ड होने लगा है तो मैं इसे वुडन स्पून से हिलाती रहूँगी। देखिए जैसे जैसे ठंडा हो रहा है तो शुगर जमने लगी है और हमें इसे इसी तरह से स्टर करते रहना है, बिल्कुल भी रोकना नहीं है, अदरवाइज जो पनीर के पीसेस हैं वो अलग हो जाएंगे और शुगर जो है वो अलग हो जाएगी। देखिए अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है पर पनीर के पीसेस जो है वो अच्छे से कोट हो चुके हैं, अभी एक लंप की तरह लग रहा है बट जैसे जैसे ठंडा होगा ये बिल्कुल अच्छे से आप देख पाएंगे इसमें छेना मुर्की को। तो अभी हमें और ठंडा, जैसे जैसे ठंडा होगा ये अलग होता जाएगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा है। ये देखिए छेना मुर्की जो है रेडी है, आप आई थिंक आप देख पा रहे हैं कि पनीर के पीसेस जो है वो कितने अच्छे से कोट हो गए हैं, आपको दिखाना चाहूँगी पूरे। ये देखिए इस तरह से सभी पनीर के पीसेस जो हैं वो कोट हो चुके हैं, ये देखिए अंदर से दे आर सॉफ्ट एंड अंदर से इस तरह से सॉफ्ट हैं और पूरे अच्छे से कोटेड हैं। इसमें बस आपको कुछ ही चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप जो पनीर है उसे तभी डालें जब शुगर सिरप काफ़ी लंबी तार के रूप में आने लगे, अदरवाइज पनीर जो है वो चूई हो सकता है। तो मैं इसे ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं इसे सर्व कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट छेना मुर्की जो है रेडी है, ये मार्केट से बेटर है, इसका टेस्ट भी मार्केट से बेटर है क्योंकि ये होममेड पनीर से बनी है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। मैं आपको एक छेना मुर्की अंदर से दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये देखिए किस तरह से पूरी तरह शुगर से कोटेड है, आप देख सकते हैं पूरी जूसी है और ऊपर से शुगर कोटेड है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।